इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन के चैप्टर सेवन की एग्जाम्पल एट सॉल्व करेंगे विच से इज पी इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स एल एंड एम तो एल और एम दो लाइन्स हैं और पी एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस इस लाइन से जितना है यानी कि ये जो डिस्टेंस है उतना ही इसका इस लाइन से डिस्टेंस है अब डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस ऐसे होता है कि अगर ये लाइन है और ये कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी तो वहाँ से हम इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये इसका डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर की लेंथ होती है ओके okay? अब इक्वी का मतलब क्या है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो उसकी जितनी लेंथ हुई इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसकी जितनी लेंथ हुई वो दोनों आपस में बराबर हो गए ओके okay? तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन ये है पी बी और पीसी इन दोनों की लेंथ आपस आपस में में बराबर है है तो ये दोनों आपस में हो गए ठीक है? दूसरा पी बी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है पीसी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल पी बी ए और एंगल पी सी ए आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए क्यों ये दोनों क्या है नाइनटी डिग्री राइट तो अब आगे पढ़ते हैं लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए तो ये एल और एम लाइन आपस में ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं शो दैट द लाइन ए पी बाई द एंगल बिटवीन दम तो ये P और A को अगर ज्वाइन करके हम ये लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है वो लाइन L और M के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है ओके तो यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं इसको बोल दूँ एंगल वन इसको बोल दूँ एंगल टू इज कॉन्ग्रगल टू ये हमें प्रूफ करना है वेरी सिंपल प्रूफ इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूव करेंगे लेकिन इस बार कांग्रेस हम प्रूफ करेंगे यूजिंग आर एच एस थ्योरम आर एच एस कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास हो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हो ओके दोनों क्या है राइट एंगल ट्राइंगल्स तो एक तो राइट एंगल दूसरा हाईपोटन्यूज और तीसरी कोई एक साइड जैसे ये साइड मान लो अगर ये तीन चीजें दो ट्राइंगल्स में कांग्रेट हैं तो ट्राइंगल्स क्या होंगी कॉन्ग्रेंट ठीक है तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हमने आर एच एस यूज करके कांग्रेंट प्रूव करना है कैसे अब जो गिवन है सबसे पहले बोले लेते हैं सो इन ट्राइंगल पी बी एंड ट्राइंगल पी सी ए ये दोनों ट्राइंगल्स में पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी सी ये हमें गिवन है नेक्स्ट एंगल पी बी एज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी सी ए ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं और ये भी हमें गिवन है ठीक है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री गिवन अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड कॉमन है ठीक है सो so ये साइड जो है ए पी ये अपने ही कॉन्ग्रेंट हो गई ठीक है यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कांग्रेंट हो गई नाउ वी हैव अ राइट एंगल ये 90 डिग्री के एंगल है ठीक है देन ए पी ए पी तो ए पी इन दोनों में क्या है हाई पोर्टिन्यूस ठीक है राइट right एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड हाई पोटिन्यूस होती है तो वो भी कॉन्ग्रट मिल गई और कोई एक साइड और वो ये साइड ले लो आप तो ये एक साइड और कॉन्ग्रंट है सो बाय आर एच एस थ्योरम वी कैन से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अब ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हो गए दिस मीन्स यूजिंग सी पी सी टी सी हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट हैं तो इस साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल के कांग्रेट होगा क्यों क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में कांग्रेट होंगे दिस मीन्स एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू अब अगर एंगल वन और एंगल टू आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ दिस मीन्स ए पी बाइसेट एंगल ए तो ए पी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया विच इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड प्रूव सो दैट्स एट फ्रॉम दिस टूटोरियल कीप वॉचिंग मैथ माफिया